हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल ब्रेन अलाइव दिस इज सविता शर्मा और इस वीडियो में हम देखेंगे स्ट्रिंग्स को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं और उसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं स्ट्रिंग्स कुछ नहीं है स्ट्रिंग्स आर द कैरेक्टर टाइप एरेज और उसी तरह से हम इनको इनिशियलाइज भी करते हैं और डिक्लेयर भी करते हैं सेम तरीके से कैरेक्टर तो टाइप एरे का जो हमारा सिंटेक्स होता वो है वो ये है कैरेक्टर यानी कि डेटा टाइप कैरेक्टर हो गया देन वेरिएबल नेम यानी कि एरे का नाम हो गया देन साइज़ हमने मैंशन कर दिया और साइज़ हमारा ऑप्शनल होता है देन लास्ट में इन्वर्टर आपके सेमीकोलन लेंगे एग्जाम्पल कैरेक्टर नेम एंड टेन इसमें ये डेटा टाइप कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप देन नेम एरे नेम एंड टेन इज द डायमेंशन जो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में देते हैं इनिशलाइजेशन के टाइम पे हमारे जो मेथड होते, है, होते हैं वो दो मेथड होते हैं स्ट्रिंग्स को डिक्लेयर करने के साथ साथ भी हम इसमें इनिशलाइज uh, कर सकते हैं और रन टाइम पर भी हम इसको इनिशलाइज़ कर सकते हैं तो सबसे पहले हम डिक्लेयर करने के टाइम पर हम इसको इनिशलाइज कैसे करते हैं वो देखते हैं उसको करने का तरीका यह है सबसे पहले डेटा टाइप यानी कि कैरेक्टर नेम देन डायमेंशन और इक्वल टू लगा करके डबल इन्वर्टेड कॉमास में हमने अपनी स्ट्रिंग को लिख देना है एक तरीका तो ये है और दूसरा यह है कि हम इनको अलग अलग कैरेक्टर की फॉर्म में लिखें जैसे हम कैरेक्टर टाइप एरे को मेंशन करते हैं ठीक वैसे ही करली ब्रैकेट्स में इस तरह से हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कैरेक्टर नेम एंड देन साइज इक्वल टू लगा करके हम इसको करली ब्रैकेट्स में एच सिंगल इन्वर्टेड कॉमा देन कॉमा देन ओ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में देन डब्ल्यू सिंगल इन्वर्टेड कॉमाज में देन स्पेस भी हम देंगे जो हाउ के बाद स्पेस है वो भी हमारा सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में आ जाएगा और सारे ही हम ऐसे इन्वर्टेड सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में अलग अलग कैरेक्टर्स को इसमें करली ब्रैकेट्स में दे देंगे तो ये तरीका भी हमारा करेक्ट है और ये तरीका भी हमारा इसमें करेक्ट है दोनों तरीक़ों से हम दे सकते हैं अब दूसरा इसमें यह है कि जितने भी हम यहाँ पे कैरेक्टर यहाँ पे डायमेंशन मेंशन कर रहे हैं वो हमारी जितने भी इसमें लेटर्स आ रही हैं जितने भी कैरेक्टर हैं इंक्लूडिंग स्पेस वो हमारे डायमेंशन सबको काउंट करने के प्लस वन होना चाहिए यहाँ पे। अगर हमारे ये कैरेक्टर्स हमारी जितने भी बन रहे हैं जैसे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और एक बारह ये हमारे ट्वेल्व कैरेक्टर्स बन रहे हैं तो कम से कम हमें यहाँ पे डायमेंशन जो है वो थर्टीन ज़रूर देनी चाहिए यानी कि 12 से ज़्यादा आप देंगे क्योंकि कंपाइलर क्या करता है कि जब हम डायमेंशन को यहाँ पर मैंशन करते हैं तो ऑटोमेटिकली लास्ट एलिमेंट के लिए हम उसमें कंपाइलर नल कैरेक्टर को फिल कर देता है ये ऑटोमेटिकली इसमें लेफ़्ट है लास्ट कैरेक्टर लास्ट जो एरे एलिमेंट है वो नल uh, कैरेक्टर के लिए ऑटोमेटिकली लेफ्ट होता है तो उसमें कंपाइलर इसमें ऐड कर देगा नल कैरेक्टर को इसलिए हमें एक ज़्यादा देनी चाहिए जैसे इस फॉर एग्जाम्पल हमने ये रेड लिया है इसमें एर एन में थ्री इसकी डायमेंशन हमने मैंशन करी है तो ये इनकरेक्ट किस लिए है क्योंकि इसमें सिर्फ आर और ई e को ही ये ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट ये हमारा सेकेंड एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट में इसने नल कैरेक्टर डाल दिया है डी को नहीं डाला है तो ये इनकरेक्ट होगा तो डी हमारा लेफ्ट आउट हो जाएगा ये नहीं आएगा उसमें असाइनमेंट में सिमिलरली इस तरीके से ये डायमेंशन करेक्ट है क्योंकि हम इसमें ऑप्शनल होता है अगर हम इसमें साइज नहीं देते हैं तो कंपाइलर जो है उसको अपने आप ही ऑटोमेटिकली असाइन कर देता है लास्ट uh, कैरेक्टर में नल कैरेक्टर तो इसमें हमारे सारे जितने भी हमारे लेटर्स होंगे इसमें जितने भी कैरेक्टर हैं वो सारे आ जाएंगे जीरो एलिमेंट आर हो गया फर्स्ट एलिमेंट ई एंड देन सेकेंड एलिमेंट डी हो गया तो दोनों ही तरीके हमारे करेक्ट हैं हम ऐसे भी दे सकते हैं और ऐसे भी दे सकते हैं बस जो हमारे डायमेंशन जो हम मेंशन कर रहे हैं उसमें एक कैरेक्टर एक्स्ट्रा होना चाहिए जितने भी हमारे स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स हैं एरेज को हम ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन भी इनिशियलाइज़ करा सकते हैं यूजिंग सम फंक्शंस हमारे पास कई फंक्शंस हैं जैसे गेट कैर फंक्शन गेट एस फंक्शन गेट सी एच ई फंक्शन और स्कैन फंक्शन इन फंक्शंस का यूज़ करके हम एरेज को ड्यूरिंग रन टाइम भी हम इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं क्योंकि गेट गेट केयर फंक्शन हम सबसे पहले लेते हैं इसको इनिशलाइज़ कराने के लिए हम एरे को इनिशलाइज़ कराने के लिए हम इसका यूज़ कैसे करेंगे इसका इसमें हमने सिर्फ़ एक वेरिएबल लिया है कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है नेम और इसमें हमने गेट केयर फंक्शन हमने इसमें यूज़ किया है ताकि जो भी हम कैरेक्टर प्रेस करेंगे वो कैरेक्टर हमारा इसमें असाइन हो जाएगा नेम में तो इस तरीके से हम इसमें गेट केयर फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं एरे को इनिशलाइज़ कराने के लिए इसका यूज़ हम अगर हमें स्ट्रिंग की स्ट्रिंग स्टोर करनी है हमारे एरे में तो उसका यू, इस यूज इस फंक्शन का यूज़ हम एक कोई ना कोई लूप हमें यूज़ करना पड़ेगा ताकि हम स्ट्रिंग इस को इसमें स्टोर कर सकें स्ट्रिंग को हम एंटर करा सकें अपने एरे में तो लूप का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि इसकी लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ एक ही कैरेक्टर को एंटर करा सकता है इससे ज़्यादा नहीं पूरी की पूरी स्ट्रिंग को एक साथ एंटर कराने के लिए हम गेट एस फंक्शन का यूज़ करते हैं इसमें क्या है जब तक हम एंटर प्रेस नहीं करेंगे हम कोई भी कैरेक्टर लिखें वो उससे हमारा एरे जो है इनिशियलाइज हो जाएगा फॉर एग्जांपल ये हमारा नेम्स नाम का कैरेक्टर टाइप का एरे है और इसको हम ऐसे यूज़ करेंगे गेट्स हमारा फंक्शन होगा और ब्रैकेट्स में हमने ये एरे नेम दिया है तो हम पूरी की पूरी स्ट्रिंग को हम इस एरे में फीड करा रहे हैं इस एरे में एंटर कर रहे हैं जो भी हम टाइप करेंगे कीबोर्ड से वो सारी की सारी इसमें आ जाएगी जब तक कि हम एंटर प्रेस नहीं करते एंटर प्रेस करने से जो भी पहले हम जो भी प्रेस करेंगे वो सब इस एरे में आ जाएगा नेम्स नाम के एरे में एंटर हो जाएगा एक दूसरा हमारे पास जो फंक्शन है वो है गेट सी एच ई फंक्शन गेट सी एच ई फंक्शन भी जो होता है वो भी सिंगल कैरेक्टर को ही रीड करता है कीबोर्ड से बट इसमें क्या जैसे ही हम सिंग करेक्टर हमने प्रेस किया कीबोर्ड पे कोई भी कैरेक्टर हमने प्रेस किया वो साथ के साथ ही हमारे वेरिएबल्स में असाइन हो जाएगा उसमें ये एंटर का वेट नहीं करता है कि एंटर प्रेस करेंगे तब असाइन होगा एंटर प्रेस करने से पहले ये हमारे जो वेरिएबल दिया हमने उसमें असाइन हो जाएगा लेकिन गेट कैर फंक्शन में ऐसा नहीं है एंटर प्रेस करने के बाद ही वो कैरेक्टर जो है वो वेरिएबल uh, में असाइन होगा जबकि गेट सी एच में ऐसा नहीं होता गेट सी एच में जस्ट कैरेक्टर प्रेस किया और वो असाइन हो गया इसको भी हम ऐसे ही देते हैं कैर और ये डेज एक हमने वेरिएबल लिया है वेरिएबल इक्वल्स टू कैट सी एच ई फंक्शन अब जो भी हम कैरेक्टर पैस करेंगे कीबोर्ड पर वो साथ के साथ इसमें असाइन हो जाएगा इट विल नॉट वेट फॉर एंटर की फॉर फर्दर प्रोसीडिंग नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है स्कैन एफ फंक्शन स्कैन एफ फंक्शन का भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग को एंटर कराने के लिए वो हम ऐसे करेंगे ये स्कैन एफ फंक्शन यहाँ पर हमने परसेंट एस दिया है दिस इज़ फॉर कंट्रोल स्ट्रिंग फॉर स्ट्रिंग्स देन वेरिएबल नेम यहाँ पर हम देंगे फॉर एग्ज़ाम्पल ये कंट्रोल स्ट्रिंग हो गई और ये डेज़ नाम का हमने एक वेरिएबल दिया है और इस वेरिएबल में क्या हमने ये डेज़ जो है हमारा आ, ये एक एरे है लेकिन ये कैरेक्टर टाइप का एरे है लेकिन जब हम स्ट्रिंग के लिए हम यूज़ करते हैं तो इसमें एम परसेंट हम नहीं लगाते एम परसेंट की ज़रूरत इसमें नहीं होती जब हम स्ट्रिंग के लिए हम किसी एरे को यूज़ करते हैं तो उसमें हम यहाँ पर एम परसेंट नहीं लगाएंगे वो डायरेक्ट ऐसे ही आ जाएगा एज ए वेरिएबल नेम तो हम ये फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं स्कैन एफ फंक्शन इसमें एम परसेंट की ज़रूरत नहीं होगी और स्कैन एफ फंक्शन में क्या है कि जो भी हम एंटर प्रेस करेंगे कैरेक्टर हम ये स्पेस को कंसिडर नहीं करेगा अगर हमने स्पेस कोई सपोज़ करो राम लिखा फिर स्पेस देके राम इज़ लिखा तो वो सिर्फ राम को ही कंसिडर करेगा इज को कंसिडर नहीं करेगा क्योंकि बीच में स्पेस आ गया तो बिफोर स्पेस जो भी हम लिखेंगे वो हम इसमें फीड करा सकते हैं यूजिंग स्कैन फंक्शन स्कैन है फंक्शन जो भी हमने कैरेक्टर टाइप के एरेज़ को इनिशियलाइज किया है रन टाइम पे किया हो या फिर डिक्लेरेशन के टाइम पे किया हो जो जो भी हमने उसमें डाटा डाला है जो भी एंट्री उसमें दी है हमने वो हम डिस्प्ले कैसे कराएंगे उसके लिए हमारे पास जो फंक्शंस होते हैं वो पुट कैर फंक्शन होता है और एक है पुट एस फंक्शन इससे हम उसको डिस्प्ले कर सक, करा सकते हैं स्क्रीन पर अब इनको हम कैसे यूज़ करेंगे ये इसका सिंटैक्स है पुट कैर और ब्रैकेट्स में डबल इन्वर्टेड कोमाज में कॉन्स्टेंट कैरेक्टर मतलब डायरेक्ट हम जो भी हमें प्रिंट कराना है वो डायरेक्ट हम इसमें दे सकते हैं या फिर हम वेरिएबल नेम के थ्रू भी हम इसको प्रिंट करा सकते हैं जो भी हमें प्रिंट कराना है एग्जाम्पल ये हैं जैसे कैरेक्टर एन ये एन वेरिएबल है इस वेरिएबल में हमने ये सी जो है इसमें असाइन किया है इस एन वेरिएबल में सी को असाइन किया है तो पुट कैर एन यहाँ पे हमने वेरिएबल का नाम लिखा तो अब इसमें आउटपुट क्या आएगा व्रीन पर जो प्रिंट होके आएगा वो सी आएगा ये तो था हमारा कि हम वेरिएबल यूजिंग वेरिएबल नेम हम स्क्रीन पर प्रिंट करा रहे हैं और दूसरा है डायरेक्टली पुट कैर और ये डायरेक्टली सी हमने यहाँ पे लिख दिया है तो डायरेक्ट हमारा स्क्रीन पर प्रिंट होके आ जाएगा दूसरा है पुट एस फंक्शन ये स्पेशली स्ट्रिंग के लिए है और स्ट्रिंग्स में क्या होगा इसमें पुट्स एस डायरेक्टली स्ट्रिंग भी दे सकते हैं जो भी हमें प्रिंट कराना है जैसे यू हमें स्क्रीन पर प्रिंट कराना है तो हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं या फिर हम इसको वेरिएबल के थ्रू भी प्रिंट करा सकते हैं फॉर एग्जाम्पल पुट्स यहाँ पर लिखा हमने होलो डबल इन्वर्टेड को में तो आउटपुट हमारा होलो प्रिंट हो जाएगा ये एग्जाम्पल है जिसमें हमने, हमने इसको पहले इनिशियलाइज़ किया है हेलो से ये इस एरे को इनिशियलाइज़ किया है हेलो से उसके बाद हम एरे नेम पुट्स फंक्शन में यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं एरे का नाम हमने इसमें यूज़ किया है तो ये भी आउटपुट क्या देगा स्क्रीन पर प्रिंट करेगा हेलो इट ऑल्सो कंसिडर द कर कैरेक्टर्स आफ्टर वाइट स्पेस जो भी वाइट स्पेस के बाद कैरेक्टर लिखे होंगे उसको भी ये प्रिंट करेगा सपोज करो यहाँ पर लिखा था हेलो स्पेस देन राम तो ये हेलो स्पेस और राम ये पूरा का पूरा प्रिंट करता है जो तो कंसिडर करता है वाइट स्पेस को If you like the video, press the like button and subscribe the channel. Thank you for watching the video.